इंडिया ने रिसेंटली एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्ट फायरिंग की है और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। ये टेस्ट फायरिंग इंडिया की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर इंडियन एयरफोर्स द्वारा अंडेमान निकोबार के ट्राई सर्विसेज कमांड एरिया में की गई, जिसमें Sukhoi-30 MKI से इस मिसाइल को फायर किया गया। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इजरायली फर्म रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा की गई है और लास्ट वीक इस मिसाइल को इजरायली एयरफोर्स द्वारा ईरान के अगेंस्ट यूज़ किया गया था, जहां इस मिसाइल से ईरान के रशियन ओरिजिन S-300 एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय करने के क्लेम्स सामने आए हैं। इसको रॉक्स या क्रिस्टल मेज 2 के नाम से जाना जाता है और ये 250 किलोमीटर्स तक के टारगेट को हिट कर सकती है, मतलब इंडिया फिजिकली बॉर्डर क्रॉस किए बिना एनिमी एरिया में डीप स्ट्राइक्स कर सकता है, जैसे इंडिया की बालाकोट स्ट्राइक्स फरवरी 2019 में, जब इंडियन एयरफोर्स द्वारा जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस मिशन को लॉन्च किया गया था, तो उसमें इंडियन एयरफोर्स के Miraz 2000 फाइटर जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके पाकिस्तान में घुसकर अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के उरी इलाके से करीब 80 किलोमीटर दूर है और लाइन ऑफ कंट्रोल से 50 किलोमीटर। बट क्रिस्टल मेज 2 से इंडियन एयरफोर्स को बालाकोट जैसे टारगेट्स को हिट करने के लिए बॉर्डर्स क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर फ्यूचर में इंडिया को ऐसे मिशंस को अंजाम देने की ज़रूरत पड़ती है, तो ना सिर्फ बालाकोट बल्कि पूरा नॉर्थ पाकिस्तान इंडिया की रेंज में होगा बिना बॉर्डर क्रॉस किए। बालाकोट स्ट्राइक्स के दौरान इंडिया के पास एयर टू सरफेस क्रिस्टल मेज 1 मिसाइल्स भी थी, जिसको रैप्टर भी कहा जाता है, क्रिस्टल मेज 2 का प्रीवियस वर्जन, और क्रिस्टल मेज 2 एक एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है। मिराज 2000 फाइटर से उस टाइम इन मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता था, बट कुछ प्रोटोकॉल्स की वजह से इसको यूज़ नहीं किया गया और 5 इजरायली स्पाइस 2000 मिसाइल्स से टारगेट को हिट किया गया। इस एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को GPS डिनाइड एनवायरनमेंट्स में स्टेशनरी और मूवेबल टारगेट्स को हिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल, कारगिल वॉर के दौरान, कारगिल में जब पाकिस्तानी ट्रूप्स की इन्फिल्ट्रेशन हुई और इंडिया ने उस रीजन के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के डेटा के लिए US से मदद मांगी, तो US द्वारा इंडिया की इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया गया, जिसके बाद इंडिया ने अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया, नाविक, दैट इज़ नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नाविक मतलब सेलर, ये इंडिया का इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, जो कि पोजीशन प्रोवाइड करवाने के लिए किसी और सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता, और इसका फुल कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, बट ये सिर्फ इंडियन रीजन और कुछ सराउंडिंग्स को ही कवर करता है। बट इस तरह के GPS डिनाइड रीजन्स या सिचुएशंस में क्रिस्टल मेज 2 ऑपरेट कर सकता है। एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को हाई एल्टीट्यूड से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे उसे एनिमी के एयर डिफेंस एंड मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम को बाईपास करने के लिए एक सेफ विंडो मिलती है, और क्योंकि ये एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ग्राउंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल के कंपैरिजन में इनका फ्लाइट टाइम बहुत शॉर्ट होता है और रिड्यूस्ड वार्निंग टाइम की वजह से एनिमी को रिस्पॉन्ड करने का बहुत कम टाइम मिलता है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स की फिक्स्ड लॉन्च साइट्स होती हैं, बट एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। सो इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसको चेंजिंग सिनारियोज और रैपिड डिप्लॉयमेंट कंडीशंस में यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ये एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम से इक्विप्ड है और हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड्स को कैरी करने में कैपेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट को इस मिसाइल पर कंट्रोल रखने की भी ज़रूरत नहीं है, और लॉन्चिंग के बाद एयरक्राफ्ट किसी और प्लेटफॉर्म को मिसाइल का कंट्रोल ट्रांसफ़र करके एरिया से सेफली एग्जिट कर सकता है। बट इनकी कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशंस या फिर सेफ्टी प्रोटोकॉल और कोऑर्डिनेशन जैसे इश्यूज। इन मिसाइल्स को इंडियन एयरफोर्स लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोक्योर करना चाहती है, जिसको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर लोकली प्रोड्यूस करने का प्लान है। इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट के अलावा सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, मतलब ग्राउंड और नेवल दोनों तरह के टारगेट्स डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है, और ये अडेप्टेबिलिटी इनको मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जैसे लॉन्ग रेंज रिडार एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ साथ एनिमी की नेवल शिप्स को डिस्ट्रॉय करने में भी सूटेबल बनाती हैं। और सबमरीन्स में डिप्लॉयमेंट से ये मिसाइल्स इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी की एक एडिशनल लेयर को ऐड करेंगी, जो कि इंडिया का स्ट्रेटजिक व्यू पॉइंट से एक इम्पॉर्टेंट और डोमिनेंट एरिया माना जाता है।